जिनकी अपनी नमाजें नहीं होती, जिनको खुद नहीं पता कि इस्तिंजा कैसे पाक करना है, वो दूसरों को नसीहत करते फिरते हैं कि तू इस सब में खड़ा हो, तुम्हारे जिम्मे नसीहत नहीं लगा रखी अल्लाह ने, ये मेंबर बनाया है जुमे को हर मस्जिद के अंदर, इमाम की जिम्मेदारी लगाई कि अपनी कौम को नसीहतें करता फिरे, हर एक को जज नहीं बना दिया अल्लाह ने, किसी को किसी की इज्जत उछालने के लिए खड़ा नहीं कर दिया कि जब तुम्हारी मर्जी आए जिसके मर्जी ऊपर तनकीद कर दो, होते कौन हो कहने वाले इन बच्चों को कि तुम पीछे शोर मचा रहे हो, मस्जिदों में पीछे बच्चों का खेलना, मस्जिदों में नमाजों के दौरान पीछे बच्चों की आवाजें आने का मतलब यह है कि ये बच्चे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आने वाली नस्लें इन दरो दीवार की हिफाजत के लिए तैयार हैं, आने वाली नस्लें तैयार हैं इस्लाम की हिफाजत के लिए, ये मस्जिद तक नहीं आएंगे तो कौन होगा जो कल को इन मस्जिद को आबाद करेगा। नमाजी को तो तमाम दुआओं से पहले, तमाम कुरान पाक की तिलावतें याद करने से पहले, तमाम दुआएं से पहले, तमाम चीजें याद करने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लाखों हदीसें इकट्ठी की और जब बुखारी शरीफ की जिल्द बंदी हुई सबसे पहले एक हदीस को दर्ज कर दिया, फरमाया हुक्मा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमल का दारो मदार तो नीयत के ऊपर टिका हुआ है, अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर टिका हुआ है, अगर नीयत अच्छी है तो सब कुछ दुरुस्त है, नियत दुरुस्त होनी चाहिए। आपको पता है ना कि अगर हम दूसरी रकात में गलती से दुरूद शरीफ पढ़ लें चार रकात की नमाज में तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा साहब लाजमी कर दिया, तो किसी साहब ने हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि यार दूसरी रकात में अगर हम अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं अचानक याद आता है कि दो रकात और पढ़नी है, तो पढ़ा तो दुरूद शरीफ ही है, सवाब का काम है, आपने इस पर भी जुर्माना लगा दिया, इस पे भी सजदा साहब लाजिम कर दिया, पेनल्टी लगा दी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल का जवाब दिया, फरमाया वो दुरूद पाक है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजना है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, अल्लाह फरमांदे सोनिया लोकी मेरे ना दियां कसमें खांदे है ते मैं तेरे ना दियां कसमा खाना, लोग अल्लाह के नाम की कसमें खाते हैं और अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को ताहा यासीन अल्लाह तबारक तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहते हैं। वो इमाम आजम ने फरमाया दुरूद पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन रसूलुल्लाह पर दुरूद बिना नियत के अचानक पड़ा मतलब वो ताजीम नहीं हुई, वो अजमत नहीं आई, इसलिए सजदा सहव लाजिम करार दे दिया गया। नमाज वैसे पढ़ो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है, रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि नमाज में सदाकत होनी चाहिए, नमाज में ईमानदारी होनी चाहिए, नमाज में दयानतदारी होनी चाहिए, नमाज में तवज्जो होनी चाहिए, तमाम चीज़ें अपनी जगह, रुकू व सुजूद अपनी जगह, लेकिन नमाज के अंदर नीयत का इखलास सबसे पहले ज़रूरी है। अगर नमाज में नीयतों के अंदर इखलास आ गया तो फिर अल्लाह की मदद आ गई है, बस फिर अल्लाह की मदद आ जाएगी। लोग दुनिया वालों से मांगते फिरते हैं, अल्लाह से नहीं मांगते ना, किसी को पैसों की जरूरत होती है तो दुनिया वालों को बार बार। तो इस ज़िम्न में मैं पिछले दिनों एक बात चली तो मेरे जहन में एक बात आई तो मैंने कुछ लोगों को कहा कि आप रकम दीजिए, तो दूसरी दफ़ा जब मैं कहने लगा फिर मैंने सोचा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इस मुतालिक क्या कहते हैं, तो कुर्बान जाऊं मैं डॉक्टर इसरार साहब का मैं बयान सुन रहा था, फरमाने लगे एक दफ़ा किसी को मदद के लिए कह दो तो जायज़ है, दूसरी दफ़ा कह दो याद दिलाने के लिए तो भी थोड़ा जायज़ है, तीसरी दफ़ा हराम है, तीसरी दफ़ा मदद करने वाला तो अल्लाह है, मदद करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, तीसरी दफ़ा हराम है दुनियादारों के सामने हाथ फैलाना, अल्लाह से तो मांग ही नहीं रहे,
जहां से बात बननी थी, जहां से अल्लाह तबारक व तआला ने गाड़ी चलानी थी, वहां तो बंदा मांगता ही नहीं है, और जहां से बात नहीं बननी वहां बार बार नाक रगड़ता फिरता है। आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह की सिफ्त कुल अल्लाह वहद अल्लाह हुस्समद, फरमाया अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, फिर अल्लाह वहाँ से रिस्क देते हैं जहाँ से बंदे का गुमान नहीं होता। लोग साढ़े मौलवियों के पास जाते हैं, बाबों के पास, पीरों के पास, तावीज़ दे दो जी, ये कर दो जी, वो कर दो जी। मैं इनके ऊपर हंसता हूँ, मैं कह यार पेट्रोल पंप पे जाके चीनी मांग रहे हो पेट्रोल पंप पे, कहने लगे नहीं नहीं मतलब, मैं कह सही दुकान पे जाके गलत चीज़ खरीद रहे हो, जनरल स्टोर पे जाके बोलो जी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो गया, पागल हो गया, पंप पे मिलता है। अल्लाह वालों से तो ये पूछो अल्लाह कैसे राजी होंगे, तुम जाके कहते हो कारोबार नहीं चल रहा। अल्लाह से पूछो रसूल, अल्लाह वालों से पूछो रसूलल्लाह की इताअत कैसे होगी, तुम जाके उनको कहते हो बेटी की शादी नहीं हो रही। अल्लाह वालों से तो ये पूछो कि हम अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल कर सकते, तुम जाके तो बीमारी नहीं ठीक हो रही। सही दुकान पे गलत सामान खरीदने जा रहे। अब आजकल दुकानदार भी ऐसे, अगले कहते चल ग्राहक तो आया, कोई बात नहीं। सही दुकान पे जब जाके सही चीज मांगेंगे तो मिलेगी। अल्लाह वालों के पास जाएं अल्लाह की तलब के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के लिए। ऐसी चीज़ें जाके मांगते हो जो वो दे नहीं सकते, जिनमें वो बेबस हैं, और जो उनके पास है वो तुम लेना नहीं चाहते। अगर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करेंगे तो अल्लाह आपको इज़्ज़तों से नवाजेंगे, और ऐसी इज़्ज़तें अता होंगी कि दुनिया में भी तमाम चीज़ों से आप गनी हो जाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएंगे। दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया, अल्लाह ताला मुझे आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।